oh शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्सत के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाकम्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नशीन वेलकम टू माई चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे आज की पहली खौफनाक कहानी उमर शेयर कर रहे हैं उमर कहते हैं मैं डीजी ख़ान का रहने वाला हूं और आज, आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा जो कहानी शेयर करना चाहता हूं। आज से 11 साल पहले की बात है हम तीन दोस्त थे अक्सर हम लोग एक जगह पर जाया करते थे वो जंगल का ही एक हिस्सा था यानी हम लोगों के इलाके से काफ़ी दूर वो जगह थी गर्मी के मौसम में हम लोग वहाँ पर अक्सर जाकर बैठा करते थे वो आबादी से बहुत दूर जगह थी कभी कभार हम लोग खाने पीने का सामान भी साथ ले जाया करते थे और वहाँ पर अक्सर इंजॉय किया करते थे आज जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इससे आगे किसी और जगह पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग कुछ देर पिकनिक भी बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी बहुत तेज़ धूप थी हम लोग अपनी जीप में निकले असर के करीब हम लोग निकले हम लोगों ने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का सामान भी ले लिया और हम लोग उस जंगल की तरफ चले गए आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए थे ये जगह हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नई थी हम लोगों ने जीप एक साइड पर खड़ी की खाने पीने का सामान निकाला और जंगल के अंदर की तरफ चले गए ये जंगल बहुत ज़्यादा घना था और वो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख़्त थे हम लोगों ने एक जगह देखी वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा घना दरख्त था उसके नीचे हम लोगों ने वो जगह बनाई बैठने की बहुत अच्छी जगह लग रही थी हम लोग यहाँ वहाँ भी देख रहे थे अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे ही थे अभी हम लोगों ने खाने का सामान शुरू नहीं किया था यानी खाना पीना शुरू नहीं किया था वो जो बैग्स थे वो एक साइड पर ही रखे हुए थे तभी एकदम से हमें ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई औरत रो रही है और उसके रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत है और उस पर जैसे कोई कोई तशद्द कर रहा है या वो बड़ी तकलीफ़ में है और वो चिल्ला रही थी हम लोग बड़े परेशान हो गए कि ये क्या भला ये इस जंगल में औरत की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और ये रो भी रही है और चीख भी रही है और है भी अभी जैसे दोपहर का ही टाइम है बहुत अजीब हम लोगों को लगा पहले हम लोग उठने लगे फिर हम लोग बैठ गए तभी एकदम से मेरे एक दोस्त की नज़र पड़ी तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे दरख़ के पीछे मुझे किसी ने झाँक कर देखा है बिल्कुल सामने भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे हम लोगों ने उस दरख़ की तरफ देखना शुरू कर दिया उसका यह कहना था कि मैंने वहाँ से देखा किसी ने सर निकाल कर मुझे देखा है हम लोगों को समझ नहीं आई कि पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं पहले हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से उठते हैं फिर हम लोग वहीं पर बैठे रहे छाँव बहुत ज़्यादा ठंडी थी बहुत ज़्यादा सुकून दे जगह थी वो और वो जगह थी भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ अभी हम लोग खाना खाने ही लगे थे फिर हम लोगों को वही रोने की आवाज़ आने लगी और अब की बार वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी हमें लगा कि अब उठकर देखना चाहिए अब ये बात रुकने वाली नहीं है कि जो कोई भी है इसको एक दफ़ा उठकर देखते तो हैं हम लोगों की एक आदत थी कि जब भी हम लोग ऐसे बाहर किसी जंगल वाले हिस्से में जाते थे इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए तो हम लोग अपने पास कोई ना कोई वेपन ज़रूर रखते थे तो हम लोग उठे तीनों दोस्त उठे हम लोग उन्हीं आवाज़ों के सिमट में जाने लगे बिल्कुल सन्नाटा था ऐसा लग रहा था जैसे इतनी खामोशी हो गई है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं है बहुत वो पुरसरार जगह लग रही थी आगे चलते चलते अजीबों गरीब दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया वो दरख्त बहुत ज़्यादा घने थे हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया जबकि पहले हमें वो रोने की आवाज़ बहुत करीब से आई थी थोड़ा सा आगे गए तो क्या देखते हैं कि जैसे दूर ट्रक के ऊपर कोई चीज़ झूल रही है हम लोगों ने जब वो उसको देखा तो हम लोग तेज़ी से उस ट्रक की तरफ जाने लगे तो क्या देखते हैं ट्रक के ऊपर जैसे कोई औरत है और वो इस तरह से लटकी हुई है जैसे उसको फांसी लगी हुई है हम लोग तो देख के बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या लगता है कोई औरत थी जो यहाँ पर ख़ुदकुशी करने आई हुई थी या उसको यहाँ पर किसी ने फांसी दे दी है और वो बिल्कुल झूल रही थी हम लोग बहुत डर गए उसके पास तो नहीं गए दूर से ही देख रहे थे कि हमें कोई और भी शायद दिखाई दे लेकिन हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया तभी एकदम से मेरे दोस्त का ये कहना है कि मेरे कंधे पर किसी ने आकर हाथ रखा है उसने एकदम से चौंक कर कहा कि कौन है पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था हम लोग उस औरत की तरफ देखने लगे तो अजीब व गरीब ही एक माजरा हुआ उस औरत ने आंखें खोल दी उसकी बिल्कुल सफ़ेद कलर की आंखें थी उसकी गर्दन लटकी हुई नहीं थी उसने एकदम से जैसे सर भी उठाया और वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी एकदम से उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भेनक हो गया काले रंग के लिबास था और बहुत ज़्यादा लंबे बाल भी थे बस उसको देखने की देर थी हम लोग तो चीखे मारते हुए वहाँ से भागे जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना सामान उठाया और अपनी जीप की तरफ भागे जीप में हम लोगों ने सामान रखा अभी हम लोग गाड़ी में बैठे रहे थे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी खौफ के मारे ये हालत हो गई फिर भी जैसे कैसे करके मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर ली गाड़ी वापस मोड़ने के बजाय उसने गाड़ी सीधी चलानी शुरू कर दी खौफी सद तक तारी हो गया था क्योंकि जिस टाइम हम लोग जीप में बैठ रहे थे वो जो औरत थी वो औरत हम लोगों के पीछे तक भागी थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि कोई और ही मखलूक थी मेरे दोस्त ने बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी भगाना शुरू कर दी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए यहाँ तक कि वहाँ पर सड़क के एक जानब जंगल था और दूसरी जानब एक कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया वो कब्रिस्तान कोई क्रिश्चियन कब्रिस्तान था और वो इतना बड़ा कब्रिस्तान था कि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ तक वो कब्रिस्तान फैला हुआ था और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान हो अजीबोगरीब गरीब वहाँ पर कब्रों के जैसे कोई स्टाइल बने हुए थे अभी हम लोग उसको हैरत से देख ही रहे थे तभी हमने उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल एक कोने के ऊपर अजीबो गरीब मखलूक को बैठे देखा वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे उनके बहुत बड़े बड़े सर थे और जिसम के ऊपर ऐसे बाल थे जैसे जानवर के जिसम पर बाल होते हैं सरों से वो गंजे थे बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं पता नहीं वो क्या थे क्या नहीं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उस कब्रिस्तान में हमने बैठे देखे हम तो आज तक कुर्सी पड़ते हुए मेरे दोस्त ने गाड़ी नहीं रोकी गाड़ी चलाते गए चलाते गए चलाते गए यहाँ तक कि मगरब हो गई हमें कुछ पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं ऐसा खौफ हम लोगों के दिमाग पर तारी हुआ तभी हम लोगों ने देखो तो एक बस्ती से शुरू हो गई बहुत बड़ी बस्ती नहीं थी कोई गांव टाइप ही लग रहा था छोटा सा वहाँ पर हम लोगों ने घरों के ऊपर लाइटें जलती देखी तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कहीं इंसानों में तो आए वरना पता नहीं हम लोग कहाँ पर कहाँ वीरानों में भटकते रहते वहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल मेन आबादी में जाकर गाड़ी रोकी जैसे हम लोगों ने गाड़ी रोकी तो वहाँ पर एक कच्चा सा घर था उसके अंदर लाइट भी जल रही थी उसका दरवाज़ा भी आधा खुला हुआ था हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया वहाँ से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला अब वो जो कम्युनिटी थी लाइक like वो जो जगह थी वो भी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही कोई बस्ती थी गांव था क्योंकि उनके घर के ऊपर स्लीप का निशान बना हुआ था जब उसने हमें देखा तो वो ये पूछने लगा कि कौन हो तुम लोग मुसाफिर हो हम लोगों ने ये बताया कि हाँ हम लोग मुसाफिर हैं बहुत डरे हुए हैं हमारी मदद कर दें हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जगह कौन सी है तो उसका ये कहना था कि हम लोगों की कि ये धामिलपुर गांव है और यहाँ पर हम क्रिश्चियन रहते हैं हमने उसे ये कहा कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसने हमें अपने उसी कच्चे से मकान में आने के लिए कहा और कहा कि तुम लोग यहाँ पर बैठो तुम लोग कुछ खा पी लो तुम लोगों की हालत बहुत ख़राब है हमने उसे कहा कि नहीं हमें भूख नहीं है हम लोग जब उसके पास बैठे हम लोग सिर्फ उससे पूछना चाहते थे कि आखिर आगे हम लोग अब किस तरफ़ जाएंगे जब उससे हमने सारी बात पूछी तो उस बूढ़े शख्स का ये कहना था कि जिस जंगल के हिस्से में तुम लोग गए थे वो आदम खोर जन्नात का जंगल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत पाए जाते हैं और वो जो कब्रिस्तान तुम देख कर आए हो पहले हम लोगों की आबादी उस कब्रिस्तान की दूसरी तरफ होती थी वहाँ पर भी बेताशा जन्नात हैं बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि सभी जन्ात उसी जंगल से आते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमखोर जन्ात हैं जो इंसानों को खाते हैं ये जन्ात हम लोगों के कब्रिस्तान में कब्रों से मुर्दे निकाल कर खा जाते थे इन जन्ात ने गोरकन को भी मार दिया इसके बाद जब हम लोगों की आबादी थी तो ये जन्ात उस आबादी में इंसानों के रूप में आते थे और हम लोगों से खाने पीने की चीज़ें मांगा करते थे कुछ लोग तो इनके चेहरे देखकर पहचान जाते थे क्योंकि ये मखसूस रात के टाइम आते थे मगरब के बाद ये हमारी आबादी में मांगने के लिए आते थे और अगर इनको कोई चीज़ दे देता था तो उस इंसान के ऊपर आसेब और जन्त का बसेरा हो जाता था उसको दौरे पड़ने लग जाते थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो जाती थी यहाँ तक कि ग्यारहवें दिन वो इंसान मर जाता था और जब उसको उसी कब्रस्तान में दफनाया जाता था तो अगले दिन उसकी लाश वहाँ से गायब होती थी हम लोगों ने एक प्रिस्ट को बुलाया तो उन्होंने जब वहाँ पर पढ़ाई की और देखा उस जगह को जाकर तो उनका यह कहना था कि ये सब आदमखोर जन्नात हैं इनका बसेरा इस कब्रिस्तान में भी हो चुका है बेसिकली इनका ठिकाना वो जंगल का हिस्सा है वहाँ पर इन जन्नात के कबीले आबाद हैं तुम तो लोगों की किस्मत अच्छी है जो वहाँ से भाग कर निकल आए हो हम लोगों के गाँव के कुछ लोग उस जंगल में लकड़ी काटने जाते थे उनके साथ भी ऐसे ही मामलात हुए थे उन लोगों को भी दरख्तों के ऊपर झूलती हुई लाशें दिखाई देती थी कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि हम लोगों ने वहाँ पर अपने पास भी बहुत भयानक मखलूक को देखा है और एक दरख़्त के अंदर से तो बकायदा उन लोगों ने रोने की और चीखने की आवाज़ें भी सुनी थीं लेकिन उस दरख्त के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था ऐसे लग रहा था कि वो आवाज़ें दरत के अंदर से आ रही हैं हम लोगों ने जब उस बूढ़े बाबे की बातें सुनी हम लोग तो और भी ज़्यादा डर गए कि पता नहीं हम लोगों के साथ आज क्या हो जाता हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह का नाम लिया और वहाँ से भागे हर कोई अपने रिलीजन के मुताबिक हर वो कोशिश करता है हमने उस शख्स को बताया कि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग डीजी ख़ान से हैं हमें थोड़ा सा बता दो कि हम लोग अब किस रास्ते से जाएं क्योंकि हम लोग उस रास्ते से तो वापस नहीं जा सकते हमें अब बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम लोग उसी रास्ते से आए थे रास्ते में वो कब्रिस्तान भी पड़ता है और जंगल का वो हिस्सा भी पड़ता है तो उस शख्स का ये कहना था कि तुम लोग यहाँ से दस किलोमीटर आगे जाओगे तो तुम लोगों को राइट साइड पर एक रोड मिलेगा वो रोड तकरीबन तीस किलोमीटर के बाद लिंक रोड के साथ कनेक्ट होगा वहाँ से तुम लोग अपने शहर जा सकते हो बेहतर यही है कि तुम लोग अब उस रास्ते से वापस मत जाना वरना वो चिन्नात तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि रात के वक्त वो उस रास्ते के ऊपर उस कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं हमने उस कब्रिस्तान में जन्ात की शादियाँ होती भी देखी हैं वो रात पर वहाँ पर शोर मचाते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं यहाँ तक कि जानवरों की, की आवाज़ें भी निकालते हैं जब हम लोगों की आबादियाँ वहाँ पर थी तो वहाँ पर वो हम लोगों के इलाके के जानवरों को भी खा जाते थे जानवर हम लोगों को मुर्दा मिलते थे कभी कब्रिस्तान के बाहर तो कभी हम लोगों की उस आबादी की गलियों में वहाँ पर आज भी हम लोगों के घरों के आसार कदीमा मौजूद होंगे या शायद कोई घर भी मौजूद हों कच्चे मकान थे आंधी तूफ़ान और बारिशों ने उनको गिरा दिया होगा हम लोग वहाँ से उठे हमने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने हमें सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि हम वापस कैसे आ सकते हैं हम लोग असर के निकले हुए कहीं सुबह चार बजे के करीब अपने शहर पहुँचे क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए थे लिंक रोड पर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों को किस तरफ़ जाना है अल्लाह का शुक्र अदा किया कि घर तो पहुंच गए जैसे कैसे करके बहुत से हम लोगों ने रास्ते में भी लोगों से पूछा कोई कोई रास्ता बताता था और कोई कोई रास्ता बताता था घर पहुंचने के बाद हम लोग बहुत खौफसुदा थे बहुत डरे हुए थे बुखार भी हो गया कुछ दिन बीमार भी, भी रहे और हम मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जामने ख्वाब भी आते थे घर वालों ने भी बहुत डांटा कि शुक्र है तुम लोग जिंदा सलामत बच के आ गए हो फिर एक बुज़ुर्ग थे हम लोगों के जानने वाले उनसे दम वग़ैरह करवाया तो उनका भी यही कहना था कि वो जो जंगल था वहाँ पर आदमखोर जन्नात थे और ये जन्नात की वो किस्म है जो मुर्दा इंसानों को भी खाते हैं कब्रस्तानों में भी रहते हैं शाम के वक्त ये कब्रिस्तानों में मौजूद होते हैं और ये इंसान का रूप धार कर इंसान के सामने आते हैं कि उसको अपना निशाना बना सकें ज़्यादातर ये औरत के रूप में अपना आप जाहिर करते हैं और जो हम लोगों ने जिन्नात देखे थे वो भी उनका ही एक कबीला था वो उनकी असल शक्ल थी जो हमने देखे थे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए अब अब हम लोगों ने तोबा कर ली कि कभी भी हम लोग दोबारा किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे, जिस जगह से हम वाकिफ़ ना हों दोबारा हम लोग उस जगह पर भी नहीं गए जहाँ पर अक्सर हम लोग जाया करते थे जहाँ पर हम लोगों के साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ था ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कभी भी किसी नई जगह पर मत जाएं बात एडवेंचर के शौक़ में इंसान बहुत नुकसान उठाता है जैसे हम लोगों ने उठाया कि मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया उमर आपका जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी ख़ौफ़नाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉर्स स्टोरीज ऑफिशियर पर मैं बहुत हॉर्र स्टोरी ऑनियर कर रही हूँ उसको भी विजिट करें और जिन लोगों ने अभी तक हॉर्स स्टोरीज ऑफिशियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हॉर्र स्टोरीज ऑफिशियर को भी जाकर सब्सक्राइब करें नीला वॉइस ऑफिशियर मेरे सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मेरा जो चौथा चैनल है ब्यूटी हैक्स उस पर अब से डेली वीडियोस आया करेंगी बहुत यूजफुल वीडियोस हैं उनको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें अपना बहुत से ख्याल रखें अपनी झेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली मेरे पूरे पाकिस्तान को जरूर याद रखिएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़ स्टे ब्लेस्ड अल्लाह ने के